नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग के किसी भी फ़ोन का FRP लॉक तोड़ना बताऊंगा। ठीक है, वो भी ठीक है, देखिए किस प्रकार से तोड़ना है। ठीक है, पहले तो हमें उसमें टॉकबैक ऑन कर देना है। ठीक है, टॉकबैक ऑन करने के बाद हम उसे लॉन्चिंग साइट पर जाएंगे, वहाँ से लॉन्चर या डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी करेंगे। हमको एक लॉन्चर एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल कर देना है, और एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन कर देना है लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन। उसके बाद हम कैलकुलेटर पर जाएंगे, कैलकुलेटर में हम ये नंबर टाइप करेंगे, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, नंबर टाइप करेंगे। वहाँ से तुमको DR पैरासर मोड ऑन होगा, तो वहाँ पर टाइप करेंगे, ये नंबर टाइप करेंगे, स्टार है 0808#। वहाँ से सेलेक्ट करेंगे DM ACM प्लस ADV, इसको सेलेक्ट कर देंगे और रिबूट कर देंगे। फिर उसके बाद रिबूट हो जाएगा, उसे डायरेक्टली PC से कनेक्ट करेंगे। PC से कनेक्ट करने के बाद हमको ये डाउनलोड कर देना है इस साइड से, बिट एंड्रॉयड .FRP से। तो इसको हम यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए डायरेक्ट सीधा बाईपास पर जाएंगे, हम इसको रन टू एडमिनिस्टर कर देंगे। इस तरीके से रन होने लगेगा और कंटिन्यू की दबा देंगे, तो अपना वो FRP लॉक है वो निकल जाएगा। और उसको रीसेट करके बैक, रीसेट नहीं करना है, बैक करके उसे तुरंत ही बैक लाएंगे, बैक की दबा कर, और फिर शुरू से स्टार्ट करके उसे, और आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे, और उसका FRP लॉक खुल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी और जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।